Hello everyone, welcome to MGET. In this session we will discuss capacitive transducer. As we discussed earlier, variation concepts and differential configuration of capacitive transducer. यहाँ तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ब्रीफ मैंने किया था पिछले लेक्चर में, नॉन लीनियरिटी के कैसे कि जनरली मैं बात करूँ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे बताया भी था मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्म है वाइडली यूज करते हैं. तो इस फॉर्म में क्या एक ड्रॉबैक है नॉन लीनियरिटी का, कैसे कि जैसे आपका सी है एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब कि सी का वेरिएशन डिस्टेंस पे कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, पैरेलल प्लेट की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये एक नॉन लीनियरिटी सर्किट में क्रिएट करता है. तो अब मेन एम है अपना कि इस नॉन लीनियरिटी को रिमूव करें. तो नॉन लीनियरिटी को रिमूव करने के लिए कैपेसिटेंस का यूज करके ओपेम सर्किट इज यूज्ड फॉर मिनिमाइज नॉन लीनियरिटी को मिनिमाइज करने के लिए ऑप-एम्प सर्किट का यूज करते हैं. कैसे करते हैं देखिए मित्र, इनपुट वोल्टेज वी आई, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर सी एक्स, ये आपका फिक्स कैपेसिटेंस सी एफ, जो वर्चुअल आइडियल आपका ओपेम्प है. तो इससे सोल्व कैसे करेंगे, आपको लाप्लास का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं कैपेसिटर का वो हो जाता है एस वन अपॉन एस सी. फ्रिक्वेंसी डोमेन में इतना आइडिया होगा आपको. तो इससे सोल्व करते हैं, Vi इधर ये करंट इक्वल्स टू ये करंट, Vi आई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन अपॉन एस सी एफ इक्वल्स टू जीरो माइनस वी नॉट वन अपॉन एस सी एक्स. क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया Vi, ऊपर चला गया एस सी एफ माइनस वी नॉट एस सी एक्स. तो वी नॉट क्या आ गया आपका, वी नॉट बाई वी आई. वी नॉट यहाँ से, वी नॉट बाई वी आई क्या आ रहा, वी नॉट बाई वी आई क्या आ रहा यहाँ से, वी नॉट बाई वी आई ये आ रहा आपका सी एफ माइनस ऑफ सी एफ बाई सी एक्स. ठीक है यहाँ तक, माइनस ऑफ सी एफ बाई सी एक्स. अब क्या है कि जो सी एफ है आपका, सी है कैपेसिटेंस, वो क्या होता है ए एप्सिलॉन बाई डी. क्लियर है ए एप्सिलॉन बाई डी. जैसे ही आप इसकी वैल्यूज इसमें पुट अप करेंगे तो ये हो गया माइनस सी एफ जो कि फिक्स है, और ये हो गया सी एक्स का डिवाइड किया तो ये आ गया ऊपर में डी. यहाँ तक क्लियर है? इसका डिवाइड किया तो डी आ गया न्यूमरेटर में. तो मतलब यहाँ से क्लियरली इंडिकेट है कि जो आपका वेरिएशन होगा अब आउटपुट वोल्टेज का, मतलब कि इस सर्किटरी का यूज में करके आप नॉन लीनियरिटी
नॉन लीनियरिटी जो डिस्टेंस के कारण जनरेट होती थी उसे रिमूव कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन साथ में कंडीशन क्या है कि जो एरिया है ना नॉन चेंज, एरिया के अंदर आपको वेरिएशन नहीं करना है। यदि आपको नॉन लीनियरिटी रिमूव करनी है तो एरिया में आप वेरिएशन नहीं कर सकते और ओपेम सर्किटरी का यूज में करके आप नॉन लीनियरिटी को रिमूव कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नॉन लीनियरिटी को कैसे रिमूव करना है। यहाँ पे ये डायरेक्टली रिलेशन में आ जाएगा डी के, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट की, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशन पार्ट की। तो एप्लीकेशन पार्ट में जैसे मैंने डिस्कस किया था अर्लियर, डिस्प्लेसमेंट मेथड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, सेकंड है आपका लेवल मेजरमेंट, एंड थर्ड वन है डिफरेंशियल प्रेशर मैन। प्रेशर ट्रांसड्यूसर जब भी पढ़ेंगे डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट वहाँ जरूर होगा। तो डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंशियल प्रेशर कैसे मेजर करते हैं विद हेल्प ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। बात कर रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिफरेंशियल डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट। कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ एक बार, ये कोई पी वन प्रेशर है, ये पी टू प्रेशर है, ये आपके कैपेसिटिव प्लेट्स हैं एक्स और वाई, ये है आपका डायफ्राम। स्टेनलेस स्टील डायफ्राम। अब होता क्या है कि जैसे इसमें पी वन प्रेशर इधर से अप्लाई हुआ, पी टू प्रेशर उधर से अप्लाई हुआ, तो ये जो प्लेट्स हैं मूवेबल प्लेट्स, ये क्या होगा कि जैसे ये प्लेट है इधर से प्रेशर अप्लाई हुआ तो ये जो आपका डायफ्राम है इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव करेगा तो इस वाले जो कैपेसिटर है उसके बीच में डिस्टेंस कम हो गई, तो ये जो कैपेसिटेंस यहाँ से मेजर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और इधर से कम। जैसे यदि पी टू ज़्यादा है पी वन से, इफ़ पी टू इज़ ग्रेटर देन पी टू, पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, देन ये डायफ्राम इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो एम एक्स वाई जो एक कैपेसिटर फ्रेम हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस चेंज को मेजर करके आप प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हो। सर्किटरी की बात करें, इसके सर्किटरी कैसे, जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका उसका यूज़ करते हैं
और E नॉट यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, ये C1 है ये C2, इन दोनों में चेंज के कारण आपने प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस सर्किटरी का यूज़ करने के पीछे पर्पस है लीनियरिटी इम्प्रूव हो रही है आपकी, लीनियरिटी इम्प्रूव हो रही है। सेकंड, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिल रहा है, डायरेक्टली प्रेशर को आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ तक यह क्लियर कंप्लीट हुआ आपका। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करने जाऊँगा मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। थैंक यू।